हेलो बच्चों, मनी का रिवीजन आपने किया ही होगा। कमर्शियल बैंक भी अपना हो ही गया है, तो आपने उसके एमसीक्यूज सॉल्व किए ही होंगे। और कुछ भी आपको डाउट रहा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हो। और आज हमारा लास्ट सेशन है मनी का, मनी एंड कमर्शियल बैंक, मतलब चैप्टर 8 का आज लास्ट सेशन है। उसके बाद अपना हमारे हाथ के 4 से 6 मार्क्स हमारी जेब में, ठीक है ना? तो मैक्रो का थोड़ा सा टेंशन तो कम हो ही जाएगा, ठीक है? तो आज आरबीआई चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, आरबीआई खत्म कर देंगे, तो इससे आपका पूरे चैप्टर 8 का यहाँ पे दी एंड। फिर हमारे बच्चे चैप्टर 5, 6 एंड 7, ठीक है ना? तो ये पूरा फोकस रहेगा आरबीआई पे, ठीक है? नाउ अभी हम देखते हैं कि, हाँ सर, इसमें ना आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम देखेंगे कि इस चैप्टर में 3.1, 3.0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पाँच ही पॉइंट्स है जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और दोस्तों, फॉर श्योर आरबीआई इस यूनिट में से डेफिनेटली दो क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर अभी तक का ट्रेंड देखा गया है कि दो क्वेश्चन तो आते ही है। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट को कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकती है, मतलब फिगर वर्क तो है ही, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर सीआरआर रेट क्या है, या फिर सर एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है। बहुत से बच्चों को इसमें कंसेप्चुअली डाउट है, मतलब ऐसे है कि उनको पता ही नहीं कि रेपो रेट मतलब क्या, एसएलआर मतलब क्या। आधे इंडिया ने तो क्या किया है कि रट लिए है, एसएलआर 4%, सीआरआर 4%, एसएलआर जो कुछ होगा 6%, वॉट एवर जो कुछ है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, बाकी आपको डिटेल फिगर तो बताओगे। ये रट लिए है उन्होंने, इसका मतलब ही नहीं समझा कि ये चीज़ें आई क्यों। और मैं जैसे कहता हूँ कि हम पहले समझ लेंगे कि ये जो क्रेडिट कंट्रोल है उसके क्या क्वांटिटेटिव क्या क्वालिटेटिव मेजर्स है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पे तो एक सवाल पूछती है। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या पार्ट रहेगा, मोस्ट आईएमपी 3.4 और 3.5, इसमें से ही आपको एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हमारा टारगेट एरिया रहेगा, ठीक है ना? तो इस पे हम फोकस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सर आरबीआई बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एपेक्स बैंक। 12th में आपने ये बहुत ही अच्छे से किया होगा। अब कितने याद आ रहा नहीं पता, एक दो दिन बाद हमारा रिजल्ट भी है ना? ऑल द बेस्ट गाइड्स, होप रखिए सब अच्छा होगा, ठीक है? नाउ आरबीआई, तो आरबीआई है क्या? सबसे पहले तो ध्यान रखो दोस्तों, आज का जो तो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मार्क्स तो मिलने ही वाले हमको। और ये मेरी गारंटी कि आप इतने होशियार हो कि आपको ये सब समझ जाएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना? तो नाउ सर, कि ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सवाल पूछो, मुझे बताओ इंडिया में या एक कंट्री में कितने मैक्सिमम सेंट्रल बैंक हो सकते हैं? सर बहुत इजी सवाल है, कितने? एक। कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक एक ही रहेगा, जैसे फिर आप इंडिया का ले लो, इंडिया में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे अलग अलग कंट्री का एक वो बैंक होता है जो उनके बाकी के कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल करता है। हाँ दोस्तों, जो हमने कल लेक्चर में देखा था कि कमर्शियल बैंक पढ़ा था, उस बैंक पे कंट्रोल किसका होगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है ना? तो आरबीआई कंट्रोल करेगी सारे कमर्शियल बैंक्स पे। और दूसरा, हर कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के एंगल, मतलब आरबीआई के हिसाब से ही चलता है, या आरबीआई बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडियन, मतलब कोई भी कंट्री के इकोनॉमी में, या इकोनॉमी का क्या प्लान होगा, क्या पॉलिसीज होगी, क्या डिसीजन लेने हैं, इन सब में आरबीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है, मैंने क्या कहा, ये समझना है हमें। एग्जाम ओरिएंटेड ठीक है, होगा ही लास्ट के पास 10 मिनट में, लेकिन अगर आप समझ लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होगा, ठीक है? नाउ सर, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि 3.0, 3.1, 3.0 में तो इंट्रोडक्शन कहा है कि हर कंट्री में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक का काम क्या है? तो भाई उस कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी देखना, ठीक है ना? उस कंट्री के जो कमर्शियल बैंक है उनको क्या करना, तो उनको मैनेज करना, उन पर कंट्रोल रखना, ठीक है? हाँ, तो ये आरबीआई के मेजर फंक्शन है, जो बहुत ही इजी इजी बातें हैं, आपने पढ़ी होगी और आपको उतना समझ गया होगा, तो उसमें हम टाइम निवेश करते हैं, ठीक है? पॉइंट 3.2 क्या है देखो, तो सॉरी 3.1 मिला आपको सर, हमको तो पेज नंबर बताना पड़ेगा। ओके, पेज नंबर है आपका 402। यस, पेज नंबर है 402, आ जाइए। अच्छा, मीनिंग एंड फंक्शन,
अच्छा ब्रॉड, अच्छा मीनिंग और फंक्शन में मुझे लगता है मैं जितना ये इजी चैप पार्ट है उसमें आपको जो बता रहा हूँ उधर आ जाना सीधा 3.0 पे। लास्ट जो पैरा है, लास्ट पैराग्राफ, ये बाकी के पॉइंट्स तो आपको पता ही है कि वो क्या करता है, तो कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक का जो है वो आएगा आगे, बताता हूँ ठीक है ना। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन देखो, ब्रॉडली स्पीकिंग अ सेंट्रल बैंक हैज थ्री ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक का, ध्यान से दोस्तों, फंक्शंस अलग है, ऑब्जेक्टिव्स अलग है, आपको सिर्फ अवेयरनेस रखना है, एग्जाम में आपको याद आ ही जाएगा। अगर आपको उस क्वेश्चन में फंक्शंस फंक्शंस हम बहुत पढ़ते हैं, और पूरा बहुत सारे बच्चे सिर्फ फंक्शंस पे ही ध्यान देते हैं इस चैप्टर में, आपको ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कितने ऑब्जेक्टिव्स है ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है और याद रखना है, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हेडफोन लगा के सुन रहे हो तो बेस्ट, ठीक है ना। तो आप सिर्फ उसको ध्यान से सुनिए, आपको डेफिनेटली याद रह जाएगा। तीन ऑब्जेक्टिव है क्या, तीन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला क्या, और ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है ना। तो यही है सर, इतने ही हो गए क्या, बहुत सारे और भी हो सकते हैं लेकिन स्टिल तीन ब्रॉडली स्पीकिंग, थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव कौन से, एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल का जो कुछ स्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई जो प्राइस रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, ठीक है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इतने याद रखो। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी, इंडिया का जो करेंसी है इंटरनेशनल वैल्यू, समझ रहा है, डॉलर के बदले में रुपीस का क्या रेट है। बहुत बार आपने सुना होगा कि आज रुपीस गिर गया, ठीक है ना, कि मतलब पहले एक हुआ करता था कि 1 डॉलर के बदले में हमें 60 रुपया देना पड़ता था, 60 रुपीज, अब देना पड़ता है 70 रुपीज। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये मेंटेनेंस का कौन करता है, तो आरबीआई करता है। और तीसरा एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है इश्यू ऑफ करेंसी, लास्ट बार बोल रहा हूँ ध्यान से, तीन ही ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, कमोन कमोन, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, कि इंटरनेशनल जो होता है, क्या 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 बताओ, क्या क्या एवरीवन, इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी, और तीसरा हम सबको ही पता है इश्यू ऑफ करेंसी, ठीक है। ये तीन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये पॉइंट खत्म हो गया। सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक, क्या फर्क है, अगर कोई आप कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आपको आ जाएगा। सर कमर्शियल बैंक जो होते हैं इंडिया में बहुत सारे उनके ब्रांचेस है, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल करता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक पे कंट्रोल करेगा, बट ऑब्वियस सर ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है ना। तो नाउ और दूसरा क्या है सर, सेंट्रल बैंक जो है ना वो गवर्नमेंट का बैंक है। सेंट्रल बैंक को कहा जाता है बैंक ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का बैंक सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। सेंट्रल बैंक पॉलिसी में पार्टिसिपेट करता है, जितना कमर्शियल बैंक का उतना रोल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसमें से भी आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बस पर्सनल ओपिनियन, थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसमें से भी कोई पूछा नहीं जाएगा। अब आ जाइए 3.2 पे, रोल्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर क्या रोल्स है एक बार गो थ्रू कीजिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर क्या सब पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, दोस्तों एक बार पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली समझ जाएगा कि वापस उन्होंने क्या दिया है। एक फास्ट में पढ़ लेते हैं, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा पॉइंट क्या चल रहा है, 3.2, पेज नंबर क्या है, 403, ठीक है, अपने स्टडी मटेरियल का इंस्टीट्यूट के, राइट ना, ओके। नाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूपाइज वॉट इम्पोर्टेंट पोजिशन इन द विच इंडियन इकोनॉमी। सर हमको तो पता ही था ना, इतना सिंपल है। इट्स रोल इज समराइज इन द फॉलोइंग पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, द आर बी आई इज द एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द हाइएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया, कंसिक्वेंटली इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रेंथनिंग डेवलपिंग एंड डाइवर्सिफाइंग द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। जो कंट्री का इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, डाइवर्सिफाई करना, ये किसका काम है, आरबीआई का। यस दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन प्रेसिडेंट है अभी उनका, उर्जित पटेल। यस, अभी जो नए नोट्स आए ना 500 हजार के, उस पे साइन होगा देखो गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का, गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल। तो ये अथॉरिटी जो इश्यू ऑफ करेंसी नोट कहा ना, तो वहां से जो अथॉरिटी आती है भाई, देख लेना जितने भी लेटेस्ट नोट छपते हैं, तो हमको अगर पता नहीं कि गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का ही साइन होता है, उर्जित पटेल जी। तो सर पहला ही क्या था, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सारे जो मेजर इश्यू है वो आरबीआई कवर करता है। समझा आपको कि इंडिया में आरबीआई का कितना इंपॉर्टेंस है। नाउ दूसरा पॉइंट देखो, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमी स्टेबिलिटी एंड असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। क्या इट इज अ रिस्पॉन्सिबल,
इट इज रिस्पॉन्सिबल कौन, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है दो चीजों के लिए. पहला क्या था, मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमी स्टेबिलिटी, कि इकोनॉमी का स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, एंड असिस्टिंग ग्रोथ ऑफ व्हाट इकोनॉमी, कि इकोनॉमी का ग्रोथ भी डेवलप मतलब जो इस हिसाब से चल रहा है उसका उस पर भी कंट्रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो आरबीआई की है. ये इंपॉर्टेंस है आरबीआई का. तीसरा पॉइंट, इट इज इंडियन क्या एमिनेंट पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी. तो कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आपको सवाल आएगा ट्रू और फॉल्स में आएगा कि कमर्शियल बैंक इंडियन इकोनॉमी या इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन या फिर उस पर कंट्रोल करती है, ट्रू और फॉल्स, जिसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उसने आंसर सुना. क्या क्वेश्चन क्या था, सॉरी, कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स आंसर देना है. कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, कि कमर्शियल बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्रोल करे मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री का, ट्रू और फॉल्स. फॉल्स कैसे सर, कमर्शियल बैंक नहीं करती, कौन सा बैंक करती है, सेंट्रल बैंक. इतना आपको पढ़ाई तो हम बहुत करेंगे और एक दिन में हमको चार सब्जेक्ट पढ़ने हैं दोस्तों, तो इसीलिए जब लेक्चर सुन रहे हो ना, इसलिए रिवीजन लेक्चर सुनना ज़रूरी है. आपको ये सारी बातें एग्जाम में ऑटोमेटिक क्लिक होगी कि भाई नहीं, कमर्शियल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक था. सेंट्रल बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करना है. और एक लॉजिक याद रखना कि जितनी भी बड़ी बातें आएगी नेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, मतलब भले वो रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक को मेंटेन करना हो, गवर्नमेंट को डिसीजन में पार्टिसिपेशन करना हो, ये सारे बात मतलब सारी चीज़ों का कमर्शियल बैंक में बहुत ही कम इंटरेस्ट, मतलब बहुत ही कम रोल होगा, मेजर रोल आरबीआई का होगा. तो आंसर लिखते हो आपका मेजर कॉमन सेंस आरबीआई की तरफ ही जाना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ. और ऐसे ही आगे दो तीन पॉइंट है और इस तरह सिंपल है, ठीक है. अगर इन तीन पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे, लेकिन इतना सिंपल था. 3.2 इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. हाँ, एक आ सकता है जो मैंने अभी पूछा कि वो सेंट्रल बैंक को हटा के आपको कन्फ्यूज करने के लिए वो क्या डाल देगा, कमर्शियल बैंक, क्योंकि हमारे पास 120 मिनट्स ही है और ऊपर से मैथ्स है उस सेशन में, तो आपको घाई नहीं करनी है, कूल रह के क्वेश्चन को समझिए. और एमसीक्यूज पेपर में आईसीआई को अगर फेल करना है तो एक ही चीज़ है, या उनके पास एक ही पॉइंट है बच्चों, कि वो क्या घुमाएगी बताए, क्वेश्चन घुमा देंगे. हम ऊपर ऊपर देखेंगे तो अरे हाँ, मेंटेन मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करना, अच्छा ये तो बैंक का काम है, लेकिन कौन सी बैंक का, सेंट्रल बैंक का, समझ रहे हो. तो इस तरह से आप इस चैप्टर को डील कीजिए, बहुत ही इजी था. अब 3.3 फंक्शंस ऑफ बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्या चल रहा है अभी, फंक्शंस, तीन ऑब्जेक्टिव थे याद आ रहे, क्या ऑब्जेक्टिव बताइए तो, मॉनेटरी स्टेबिलिटी. दूसरा क्या था सर, नेशनलाइजेशन वैल्यू ऑफ व्हाट, नेशन करेंसी, नेशनल वैल्यू ऑफ नेशन करेंसी. और तीसरा क्या था, इश्यू ऑफ व्हाट, करेंसी, ठीक है. फिर देखा 3.1, डिफरेंस था दोनों में, बहुत इजी था. 3.2 में क्या देखा, रोल्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या क्या रोल्स है, ठीक है ना, उस पर ध्यान से देखना. कमर्शियल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक का मेजोरिटी रोल रहेगा, मेन डिसीजन मेकिंग या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इश्यू उसमें. और अब यहाँ पे देखना, आपका 3.0 चला गया, 3.1 चला गया, 3.2 खत्म हो गया, 3.3 भी बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट, जिसमें अमेंडमेंट है बहुत सारा, जिसमें कुछ आपको ग्रामेटिकल चेंज किए गए, और ग्रामेटिकल पे इतना आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, बस चेंज करना है, कुछ पैरा डिलीट करने इसमें से, ठीक है ना, एक दो पैरा मैं आपको बता दूंगा, तो आपका फिर वो बाद में आपने किया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं किया होगा तो कोई टेंशन नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर देना. और आपको मैंने कल के सेशन में कहा ही था कि वो इंस्टा पे मैं आपको कोई लिंक भेजूंगा, अच्छा नीचे लिंक होगी उस पर क्लिक करके वो फोटोग्राफ्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है. नाउ फंक्शंस क्या है, एवरीवन फंक्शंस क्या है, 12 की बात है, इश्यू ऑफ करेंसी नोट, लेकिन इसमें क्या ध्यान देखना है, देखो पहला फंक्शंस क्या है, इश्यू ऑफ करेंसी नोट, ध्यान दो, इश्यू ऑफ व्हाट, करेंसी नोट, लेकिन इसमें एक क्या, 1 रुपीज के कॉइन और नोट क्या आरबीआई इशू कर सकता है क्या, नहीं सर, 1 रुपीज का कॉइन और नोट, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट्स एंड कॉइन, व्हाट, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट्स एंड कॉइन्स, ये सब छोड़ के बाकी जो भी करेंसी है वो इशू करने का अथॉरिटी किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के पास, ओके. दूसरा फंक्शन क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. इस पे भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, मतलब आपने कमर्शियल बैंक के फंक्शन देखे, याद आ रहे आपको, अगर नहीं याद आ रहे तो कोई बात नहीं, आप एक बार देखना, आपको डेफिनेटली याद आ ही जाएगा. और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इसके याद रखो, मतलब जो इसके फंक्शन नहीं हो गए तो बट ऑब्वियस तो कमर्शियल बैंक के हो गए, या फिर हम लोग इतने जो फंक्शन कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कितने फंक्शन सेंट्रल बैंक के है, क्या सेंट्रल बैंक इशू ऑफ करेंसी है, यस, क्या बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, यस, क्या बैंकर्स टू द बैंक है, यस, डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, भाई बिंदास एकदम क्लियर, क्योंकि हमने समझा हुआ है, ठीक है ना. तो इश्यू ऑफ करेंसी नोट फिक्स है, एक्सेप्ट 1 रुपीज कॉइन एंड नोट्स, ये सब छोड़ के क्या आरबीआई, बाकी के सारे अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास, ठीक है ना. गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल, उसका साइन होगा, मतलब समझना आरबीआई के, भाई आरबीआई से आया हुआ है,
सिंपल, ठीक है ना। नाउ बच्चों बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, आपको बहुत ही ना इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर। हम कॉमन लोग, ठीक है ना, हमारा पास जितना भी पैसा आ रहा है सर, हम ना वो SBI में रख रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में रख रहे हैं, अलग अलग जगह पे हम रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर गवर्नमेंट, इतना सारा टैक्स का पैसा जा रहा है आजकल, GST आपने बहुत सुना होगा, GST GST GST, ठीक है ना। वो पैसा जो गवर्नमेंट ले रही है, वो पैसा रखा रही है। गवर्नमेंट आएगी बोलेगी अरे यार SBI मेरा अकाउंट खोलना, उसमें पैसे रख दे। अच्छा वो SBI बोलेंगी सर इतना सारा पैसा हमारे पास जगह नहीं है, भाई ठीक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा पैसा रखो। ऐसा होगा क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ रखेगी? आज तक आपने इस पॉइंट को कितने नोटिस किया मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जो टैक्स का पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट, मोदी जी थोड़ी ना अपना 7 शहर में रखेंगे, मतलब दिल्ली में जहाँ पे मोदी जी रहते हैं वहां पे थोड़ी ना पैसा रखेंगे। तो गवर्नमेंट पैसा रखती कहाँ पे है? तो जो सेंट्रल बैंक है RBI, वो गवर्नमेंट का सारा पैसा जो है, तो जैसे हम कॉमन पीपल कमर्शियल बैंक में पैसा रखते हैं, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट पैसा कहाँ पे रखती है? तो RBI, सेंट्रल बैंक। इसलिए पॉइंट आया बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सर सिर्फ डिपॉजिट करना यही ऑप्शन है क्या? नहीं। और दूसरा एक पॉइंट बता दो, ध्यान से सुनिए दोस्तों। हम जब कॉमन पीपल कमर्शियल बैंक में सेविंग डिपॉजिट करते हैं, या फिर टाइम डिपॉजिट मतलब FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब गवर्नमेंट RBI के पास पैसा रखती है, तो क्या आपने पढ़ा होगा, अभी रिविजन लेक्चर चल रहे हो तो इतना में एक्सपेक्ट करो आप आंसर दो, तो क्या RBI गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देती है? सोचो। नहीं सर, नहीं देती। आज जीरो इंटरेस्ट रेट, RBI कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती जो गवर्नमेंट पैसा रख रहा है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आया, तो ध्यान से इसको टैकल करना, ठीक है ना। नाउ और क्या फंक्शंस है? तो सर RBI और एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मोदी जी ने अभी जापान से लोन लिया, क्या आपने सुना है न्यूज? अपना वो ट्रेन बना था, बुलेट ट्रेन, मुंबई टू अहमदाबाद, वो जो लोन लिया, तो सर ये मोदी जी को दिया क्या? सर गवर्नमेंट तो 5 साल में चेंज हो जाती है, तो वहां पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ इसमें है ही, गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया होगा कि भाई ठीक है आप, हम है ना RBI, इंडिया का रिजर्व बैंक मतलब सेंट्रल बैंक है, आप हम पे भरोसा रख के दीजिए। और वो सारा पैसा कहाँ पे आया? RBI में आया, समझ रहे हैं आपको। तो RBI ये भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करे, तो ये भी गवर्नमेंट का हो गया। बाकी मॉनेटरी डिसीजन, नोटबंदी हुई क्या, मोदी जी ने बोला क्या नोटबंदी वही चलो आज कर दिया, क्या RBI को पूछा होगा? यस, डिसीजन मेकिंग में RBI का भी पार्ट था, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसीज अगर बनाना है, इकोनॉमी अगर चलाना है, तो RBI इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो डेफिनेटली उसका भी पार्ट होगा। तो इसीलिए क्या था, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, जिस बंदे ने कभी क्लास नहीं किया होगा भाई उसके लिए तो डेफिनेटली ये बेनिफिशियल होगा। तीसरा, बैंकर्स टू द बैंक। सर बैंकर्स टू द बैंक क्या हो गया कि कमर्शियल बैंक को सारी मदद करना, मतलब यहाँ पे इतना सिंपल है कि सारे जो कमर्शियल बैंक को जितने भी कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो गई, RBI प्रोवाइड करेगा। कभी कोई इश्यूज आ गया, जैसे मान लिया जैसे लोग भाग गए पैसा लेके, अब ऐसी स्टेज थी कि समझो हमारा SBI डूब जाएगा, अगर नहीं उनको बचाना है, कोई बैंक को नहीं डूबने देना, तो क्या करेगी RBI, उसको मदद करेगी किस तरह उस बैंक को बचाया जाए। तो ये बैंकर्स, क्या बैंकर्स बैंक मतलब बहुत सारी हेल्प। अब पॉइंट पढ़े उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, और एक चीज मुझे बताना था, पॉइंट नंबर सेकेंड पे आई है, और मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में, कि RBI मेक्स, पॉइंट नंबर बताओ आपको, पेज नंबर 404 पे आइए, वहां पे पॉइंट नंबर डी है, उसको स्टार मार्क कीजिए, कि RBI ऑल्सो मेक्स एडवांसेस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विच आर रीपेएबल विद इन 19 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस। कि RBI जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को और या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, अभी ध्यान से, कि RBI सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लोन दे सकती है, एडवांस दे सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकती है? क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां पे ब्लैंक नहीं होना है भाई, या फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करती है या स्टेट की भी, दोनों की। ध्यान से पढ़िए पॉइंट नंबर डी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट करने को कहा कि दो पॉइंट आते हैं, एक तो याद रखो कि सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है राजस्थान गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट है उनको दिया जाएगा। नाउ विच आर रीपेबल विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस, जिस दिन से एडवांस दिया उसके 90 डेज के अंदर क्या करना है, रीपेबल करना है, मतलब रीपे करना है, ठीक है समझा। जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया एडवांस, वो कितने दिन के अंदर रिपे करना है, कितने दिन के अंदर, बोलो 90, कितने 190, 90, कितने 90, 90, ओके। बैंकर्स बैंक, आपको मैंने बताया ही कि RBI मतलब देखो यहां पे दो एक्ट है बैंकर्स बैंक में, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934,
यहाँ पे दो पॉइंट याद रखो सीख, 1934 आरबीआई ईयर याद रखो, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं, सुना तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आपको याद रह जाएगा। तो ठीक है, एक 1934 ये एक एक्ट है, एंड देन आफ्टर 1949 कौन सा एक्ट याद रहा है आपको, 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ईयर में देखना, गलत करना मत, आपको देखेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सबका हमारा बहुत इजी हमको आ जाता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, 1934। ठीक है, बाकी तो मैंने बताया ही। पॉइंट नंबर फोर पे आ जाओ चलो फास्ट, कस्टडियन ऑफ व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज। सर जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ठीक है, जापानीज येन हो गया, तो ये सारे जो एक्सचेंज है वो रखना, ये फंक्शन हम किसका पढ़ रहे हैं सर, आरबीआई के फंक्शन पढ़ रहे। तो कस्टडियन ऑफ व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज, वो सारा एक्सचेंज का कस्टडी किसके पास रहता है, मतलब मेंटेन करने का अथॉरिटी कंट्रोल किसके पास रहेगा, आरबीआई के पास रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया सर। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, बहुत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आगे का पूरा आरबीआई का चैप्टर इसी पे खत्म हो रहा है कि इंडिया में क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है। तो ये फंक्शन है किसका, आरबीआई का। सर वो क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या बताऊंगा आपको, ठीक है ना, अभी आपका एकदम इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको कभी जो डाउट लग रहे थे या जो डर था वो निकल ही जाएगा आप लोगों का। सर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इतना याद रखो, ये फंक्शन है, अभी 2 मिनट में इस पे एक्सप्लेनेशन आएगा ही आपको, ठीक है ना, जब ये इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होगा तो मैं इस पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, और तब आपको डिटेल में इतना परफेक्ट समझेगा कि जो अभी तक जिन बच्चों का फोबिया था इसमें रिवर्स रेट, रिपो रेट सब निकल जाएगा। नाउ प्रमोशन ऑफ, प्रमोशनल फंक्शन मतलब भाई बाकी के और सारे प्रमोशनल फंक्शन भी, जैसे कि पॉइंट नंबर सिक्स आप देख रहे हो कि अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, द आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म वेराइटी ऑफ डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शन, वेराइटी ऑफ डेवलपमेंटल एंड विच प्रमोशनल फंक्शन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशनल ऑफ बैंकिंग हैबिट्स अमंग द पीपल एंड मोबिलाइजिंग सेविंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। जितना सेविंग है तो आइडल नहीं रखना है भी, मोबिलाइज कैसे करें, मतलब उसको हम लोग सही तरह से किस तरह इस्तेमाल करें जो डेवलपमेंट में काम आ सके, ठीक है ना, ये बाकी के फंक्शंस भी आरबीआई करती है। एंड लास्ट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा मतलब क्या कि आरबीआई के पास डेटा था कि इंडिया में 65,000 के कितने डुप्लीकेट करेंसी घूम रही है, पैरेलल इकोनॉमी चल रहा था। मतलब सर कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है दोस्तों, तो पॉलिसी इस हिसाब से बनाता है कि हमारे इंडिया में कितना करेंसी चल रहा है, तो कितना डिमांड होगा और कितना सप्लाई होगा आएगा, जब क्रेडिट कंट्रोल बताओगा ना, ये एकदम परफेक्ट आपको करवा के देता हूँ मैं 2 मिनट में। तो डेटा कलेक्ट करना और डेटा को पब्लिकेशन करना, मतलब आरबीआई आपको कल जितना भी कहे, मतलब कहेगी, जैसे हमने कमर्शियल बैंक में आपने देखा कुछ स्टैटिस्टिक थे कि लेंडिंग इतना, उसके बाद इतने सारे ब्रांचेस, देन आफ्टर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ये सारा जो रेट आपने पढ़ा, जो डेटा, जो स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिक्स आपके सामने आए, तो कौन प्रेजेंट करता है, आरबीआई। ठीक है, ये वाला पॉइंट था। तो कितने फंक्शंस थे, फंक्शंस कितने थे, सात। पहला कौन सा, इश्यू ऑफ करेंसी, आरबीआई का फंक्शन है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, जो स्टार मार्क करने को बोला वो पॉइंट ध्यान से देखना, बैंकर्स बैंक, उसमें 1934 आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उस पे कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई, देन आफ्टर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल कौन है, आरबीआई, कमर्शियल बैंक नहीं है। ठीक है, नाउ प्रमोशनल फंक्शन, ठीक है, ये पॉइंट देखा, एंड लास्ट वन कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट 3.4 और 3.5, अब यहाँ पे आप शांति से ध्यान, मतलब बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, नाउ पे अटेंशन सर, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, बहुत पता होगा आपको मॉनेटरी पॉलिसी में, अब जो जो जरूरी है वो हम देख लेते हैं कि जो प्राइस का स्टेबिलिटी में जो ऑब्जेक्टिव देखे थे ना, बस वो ऑब्जेक्टिव को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में दो एस्पेक्ट आते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और एक है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को क्या कहा जाता है, जनरल एस्पेक्ट, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्या जाता है, कहा जाता है सिलेक्टिव। वापस एक बार, क्वांटिटी जनरल, या फिर बोलो जनरल क्वांटिटी, ठीक है ना, दो नाम हो गए, क्वांटिटेटिव या जनरल, पूछा आपको जनरल, जो जनरल मेजर के मतलब जनरल मेजरमेंट है भाई क्या होगा, या क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव पॉलिसी मतलब क्वांटिटेटिव या जनरल मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन से, एबीसीडी जो मैं बताऊंगा देखना, जनरल मेजर कौन से, वही पूछा, क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से और सिलेक्टिव मेजर्स कौन से, ठीक है ना, तो वो जो बताऊंगा वही रहेंगे। नाउ सर क्वांटिटेटिव और जनरल, जो जनरल नाम आया ना उसमें जो भी पॉलिसी होगी वो इंडिया को जनरली एप्लीकेबल है, बट स्पेसिफिक जो आप देख रहे हो सिलेक्टिव क्वालिटेटिव, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही किया जाएगा, तो इसका स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। ठीक है, नाउ
कितने थे? दो, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का क्या नाम था दूसरा? यस यस वेरी गुड। क्या था क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम? जनरल या सिलेक्टिव? जनरल। ओके, क्वालिटेटिव का दूसरा नाम क्या था? सिलेक्टिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव जनरली एप्लीकेबल होगा सारे मतलब सारे इंडिया के लिए? यस। क्या क्वालिटेटिव स्पेसिफिक पर्पस के लिए एप्लीकेबल होगा? यस। एमसीक्यूज आ सकता है बच्चों, ध्यान से। अब आपका मेन फंक्शन चालू होता है क्वांटिटेटिव फंक्शन, और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हैं। इसमें आपको बहुत सारे कुछ तो ग्रामेटिकल चीज़ें ऐड करने को बोला है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कमर्शियल बैंक में वो लेटर हटाने को बोला था, हैव बीन कट करके कुछ, तो इसमें तो क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है ना, इतना ज़्यादा टेंशन लीजिए मत आप। ठीक है, नाउ सर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन ना सीधा बाउंसर जा रहा है सर। ठीक है, बैंक रेट तो हम लर्न कर लेंगे, 6.25% ये अमेंडमेंट है, 6.25% अब बैंक रेट हो गया है। ये अमेंडमेंट पहले आप करवा दूँ या समझा दूँ? ठीक है, पहले समझाता हूँ फिर हम अमेंडमेंट फटाफट कर लेंगे। जिन बच्चों को ऐसे लग रहा है कि सर हमको ये आ रहा है, तो आप, मैंने कहा था कल 1.5 या 2 के स्पीड पे आराम से देख सकते हो, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, अपने को समझ आया, फटाफट फटाफट लेक्चर देख के खत्म करने का, यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ है हमें। ठीक है ना, तो इस्तेमाल कीजिए, बी स्मार्ट। ओके नाउ सर, पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये पूरा क्वालिटेटिव फंक्शन मेरे इस एग्जाम्पल में आपको इस तरह से समझ जाएगा कि आप सिर्फ ना इसको आप आंसर करोगे जब मैं बताऊंगा तब। ठीक है, नाउ देखिए, अब ना आपने 12th का डिमांड सप्लाई याद आ रहा है, उसमें मुझे कुछ आंसर देना। ठीक है सर, मेरे पास दो यूनिट्स है कुछ तो, ठीक है, दो यूनिट्स है मेरे पास या तीन यूनिट्स है, लेकिन उसको डिमांड करने वाले आठ लोग हैं, तो सप्लाई तीन यूनिट्स का है और डिमांड आठ लोगों के पास, आठ लोग कर रहे हैं, तो मुझे कहो सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम होगा बताइए। 12th में पढ़ा था दोस्तों, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा तो क्या होगा? आपका प्राइस बढ़ेगा। मतलब सर कैसे? दोस्तों आज जो ये सेलर है, इसको पता है कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड है, भाई तीन ही चीजें और लेने वाले आठ लोग, बराबर लेने वालों में क्या होगा? कंपटीशन चलेगा। तो मैं अगर आज 10 रुपए की चीज बीच में भी दूंगा ना, तो जिसका परचेसिंग पावर ज्यादा होगा वो खरीद लेगा, बाकी के निकल जाएंगे क्योंकि उनके पास उतना पैसा है ही नहीं। तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। और दोस्तों अगर उल्टा सिचुएशन होता तो, सपोज मेरे पास एट प्रोडक्ट्स है बेचने के लिए, मतलब सप्लाई है एट का और डिमांड है सिर्फ दो यूनिट्स की, या फिर दो ही लोग डिमांड कर रहे हैं, तो अब बायर, ये किसका एंगल हो जाएगा पता है? ये जो बायर है ना उसका, उसे पता है कि इसने नहीं दिया तो आगे वाले से जाके खरीद लेके, तो क्या हो जाएगा इसमें? प्राइस कम हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि इन्फ्लेशन कब होता है? जब लोगों का क्या बढ़ जाता है? परचेसिंग पावर। जब लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है, या हमारे इकोनॉमी में अगर पैसों का बहुत ज़्यादा फ्लो चल रहा है, पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो लोगों का क्या बढ़ जाएगा? परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। अगर लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ा तो क्या बढ़ जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा। और अगर डिमांड बढ़ा तो क्या होगा? सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन क्या हो गया? बढ़ गया। तो समझा अभी जो मैंने बताया आपको? सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, तो डेफिनेटली प्राइस भी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। और इसको कहते हैं, अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है, तो ये जो क्रेडिट कंट्रोल है, जिस तरह से क्रेडिट मतलब मार्केट में जितना भी पैसा घूम रहा है उससे अगर मुझे कंट्रोल करना है, तो ये काम किसका है? आरबीआई का है। उसी तरह मैंने आपको कहा कि जिस तरह सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में, सप्लाई किसका? कैश का नहीं कह रहा हूं दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है, तो मुझे बताइए क्या होगा? डेफिनेटली डिफ्लेशन, मतलब प्राइस कम हो जाएगी प्रोडक्ट्स की। अब आपको और एक एंगल बताता हूं, आप आंसर दीजिए दोस्तों कि सर हमने अभी अभी आपने अभी कहा कि जब लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर जब इस बंदे का बढ़ गया, मतलब इसके पास पैसे नहीं थे, ये गया एसबीआई के पास, ध्यान से सुनना आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये गया एसबीआई के पास और इसने एसबीआई से 1 लाख का लोन ले लिया, 1 लाख का लोन लिया, और या फिर एक सिंपल एक चीज को,
एक लाख का लोन लिया SBI से, आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट, ये लोग भी क्या करते हैं, लोन ले रहे हैं। और आप देख रहे हो कि आजकल के जो कॉलेज स्टूडेंट है, यस हम लोग भाई शॉप तो हम करते ही है, बजाज फाइनेंस से लोन ले लिया और क्या किया हमने, आईफोन ले लिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको जब पैसा प्रोवाइड कर रही है दोस्तों, तो आपका क्या बढ़ रहा है, परचेसिंग पावर बढ़ रहा है। और जैसे ही आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, तो आपने देखा होगा डिमांड का, क्या डिमांड का डेफिनेशन अगर आपने 12th में पढ़ा होगा या फिर आपने माइक्रो में भी किया होगा, तो डिमांड कब कंप्लीट होती है, जब डिजायर, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, उसके बाद क्या एबिलिटी टू पे, ठीक है ना। उसके पास डिजायर होना चाहिए, उसके पास पैसे पैसे होने चाहिए, मतलब तीन चीजें थी, एक तो डिजायर होगी, एक पैसा होगा, लेकिन पैसा होके भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसका वो एबिलिटी या फिर उसका वो इच्छा होना चाहिए कि वो पैसा खर्चा करे और उन चीजों को खरीदे। तो आपने एक्सेप्शन में माइजर देखा होगा, ठीक है, याद आ रही हो चीजें। तो डिमांड मतलब क्या सर, यहाँ पे परचेसिंग पावर बढ़ा तो इसका डिमांड बढ़ गया, और मैंने आपको कहा था डिमांड बढ़ेगा सप्लाई कम होगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएंगे। और अब आपका एक्चुअल पॉइंट चालू होता है, जिसमें आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, फिर आपका CRR, बैंक रेट सब समझ जाएगा दोस्तों। मतलब ये तो सिर्फ नाम है, हटा दीजिए इनको, ये अगर समझा तो वो सब आप खुद इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि इनको इसमें वो खुद आप पुट कर पाओगे। अब आप ऐसे समझिए कि आप इस देश को चला रहे हो, इन लोगों की परचेसिंग पावर पे आपको क्या करना है, मतलब लगाम लगाना है, आपको इनकी परचेसिंग पावर कम करनी है। क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या मैं कहूं कि अगर ये लोन इसे नहीं मिलता तो इसकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ती, और अगर इसकी परचेसिंग पावर नहीं होती तो इसका डिमांड नहीं होता, और अगर डिमांड नहीं होता, ठीक है ना, डिमांड कम किया मैंने अल्टीमेटली, तो डिमांड कम किया तो देखो सप्लाई को एक लेवल पे लेके आया मैं। पहले था कि सप्लाई कम डिमांड बहुत ज्यादा, ध्यान देना, सप्लाई यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा, ठीक है, सप्लाई यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा। अब मैंने क्या किया कि डिमांड को कम 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 करते एक लेवल पे लेके आया, तो अब डिमांड सप्लाई मतलब इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन एक लेवल पे लेके आया, तो जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था उस इन्फ्लेशन को क्या हुआ, एक लगान आया और इन्फ्लेशन को मैंने एक कंट्रोल किया, ठीक है। तो मुझे इनका परचेसिंग पावर कम करना है, तो बैंक रेट में आपको क्या समझाया गया है पता है दोस्तों, ठीक है, उस पेज नंबर पे आइए, पेज नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए, पॉइंट अब आपको बहुत ही परफेक्टली समझेगा। इतना याद रखो कि मुझे परचेसिंग पावर कम करना है, ठीक है, मतलब लोगों को यहां से पैसा लेने नहीं देना है। तो दो कॉमन सेंस बता पाओगे आंसर क्या होगा कि कैसे लोन नहीं लेगा, एक मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा। मतलब जब इसे 5% से इंटरेस्ट मिल रहा था, तो ये बंदा क्या सोच रहा था, ठीक है यार 5% से इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब मुझे 5,000 रुपया ही इंटरेस्ट देना है, लेकिन यही इंटरेस्ट रेट अगर मैं 15% कर दूँ तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा सर, 15,000। तो जो पहले 1,000 लोग लोन ले रहे थे, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से सीधा 10 लोग ही लोन ले रहे हैं, मतलब 990 लोगों ने तो लोन लिया ही नहीं। तो क्या हो गया, लोन लिया नहीं तो परचेसिंग पावर कम, परचेसिंग पावर कम मतलब सप्लाई यहां पे था मेरा, डिमांड यहां पे थी, परचेसिंग पावर कम तो डिमांड कम 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 होते गई, ठीक है ना। तो अब डिमांड कम सप्लाई यहां पे आ गया, और आपने देखा था यहाँ पे डिमांड और कम हो गई, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, अब क्या होगा प्राइस कम होगा। तो मैं इन्फ्लेशन को कहाँ पे लेके आया, कम किया मैंने, और कैसे किया, यहाँ पे इस तरह से आपने जो ये पॉइंट देखा कि मैंने बैंक रेट बढ़ा दिया, जिससे जो बोरोवर्स मतलब जो लोन लेके खरीद रहे थे चीजें, मतलब मैंने मार्केट में से पैसा खींच लिया, ऐसे हो गया ना दोस्तों। अगर मैं उनको लोन नहीं दे रहा हूं, तो जो पैसा आज मार्केट में घूम रहा था, जो लोग कुछ भी और लोन लेके खरीद रहे थे, उनका वो परचेसिंग पावर कम होने की वजह से 1,000 लोग सीधा 10 लोग ही वो खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात बनती है कि क्या उन लोगों का परचेसिंग पावर कम, डिमांड कम, दैट्स इट, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब सवाल आता है कि बैंक रेट क्या है, पेज नंबर आ जाइए 4.405 पे, आपको डेफिनेटली ये समझ जाएगा। देखना बैंक रेट क्या है, उसमें सेकेंड लाइन अंडरलाइन कीजिए, द बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक डिस्काउंट, दो बार अंडरलाइन कीजिए इसको, डिस्काउंट द बिल ऑफ कमर्शियल बैंक, डिस्काउंट द बिल ऑफ कमर्शियल बैंक व्हेन द सेंट्रल बैंक विश टू कंट्रोल क्रेडिट एंड इन्फ्लेशन। क्या बोला है दोस्तों, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा,
परचेसिंग पावर को कम करना पड़ेगा। अगर परचेसिंग पावर को कम करना है तो क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाए बढ़ेगा या इंटरेस्ट रेट कम करेंगे? सर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, लोन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहा हो, लिंक लगा पा रहे हो? ठीक है, आगे देखना। ठीक है, कंट्रोल क्रेडिट एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इट रेज बैंक रेट। बैंक रेट अगर आरबीआई ने बढ़ाया, कौन बढ़ाएगा, आरबीआई ने, तो डेफिनेटली आगे देखना, इंक्रीज बैंक रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ कमर्शियल बैंक। किसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग? कमर्शियल बैंक का, हु इन टर्न चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम देयर बोरोवर। बहुत इंपॉर्टेंट, समझा आपने, बैंक रेट कौन चार्ज करेगा, आरबीआई, किससे, कमर्शियल बैंक पे। तो डेफिनेटली अगर कमर्शियल बैंक का बोरोइंग रेट बढ़ा तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक किससे वसूल करेगी, जो हमारे जैसे कॉमन पीपल है जो बोरो करेगी उनसे, तो कमर्शियल बैंक किसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, जो कॉमन पीपल होगा। तो अब जब आप न्यूज पे देखोगे कि बैंक रेट बढ़ा, तो समझ जाना कि इंडियन गवर्नमेंट को या फिर आरबीआई को क्या कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है मार्केट में, समझा। फिर वो एसएलआर हो या कोई भी रेट अगर बढ़ रहा है तो समझना इन्फ्लेशन बढ़ गया है। गवर्नमेंट को चाहती है कि मार्केट में से पैसा खींच लिया जाए, लोगों का परचेसिंग पावर कम किया जाए, ये उसके पीछे का लॉजिक है। और एक बार लॉजिक समझा तो आप इतने ब्रिलियंट हो तो ये आराम से खत्म कर दोगे। ठीक है ना? ओके, नाउ ये यहाँ पे पॉइंट खत्म किया आपने। नाउ दिस मीन्स द प्राइस ऑफ क्रेडिट विल इंक्रीज। डेफिनेटली क्रेडिट मतलब जो लोन दिया उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब सर कैसे, मैंने आपको कहा था कि देखो दो एग्जाम्पल थे कि 1 लाख का लोन था, 1 लाख के लोन पे पहले अगर 5% इंटरेस्ट था तो कितना प्राइस हो गया इसका, 5000। और अगर वो बढ़ के 15000 हो गया, सॉरी 15% इंटरेस्ट हो गया, तो कितना प्राइस हो गया, 15000। डेफिनेटली तो प्राइस क्या हो गया, क्रेडिट जो लोन लिया उसका बढ़ गया। दिस विल अफेक्ट द प्रॉफिट। सर हमको समझता है कि पहले अगर लोन लेके मैंने कुछ बिजनेस भी स्टार्ट किया तो अगर मेरा 20000 का बिजनेस में से इनकम हो रहा है, ये 5000 कॉस्ट थी मेरे इंटरेस्ट की 5% वाले एग्जाम्पल में दोस्तों, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, 15000। ठीक है, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट 15% हो गया तो मेरा भाई वही मतलब जो कुछ टर्नओवर था वो तो 20000 का था, लेकिन 15000 में इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो प्रॉफिट कितना हो गया, 5000। ये पॉइंट समझा, दिस विल अफेक्ट द प्रॉफिट। इसलिए इतना शांति से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, 8वां चैप्टर बहुत डिटेल में लूंगा, ये प्रॉमिस था मेरा। बाकी के जितने भी अमेंडमेंट्स होगी मैं इसे खत्म, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा, लेकिन 8 चैप्टर आपको यहां से समझना चाहिए। मतलब जैसे दिल से अगर समझा तो बस बात बन जाएगी, दिमाग अपने आप आंसर करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझा आपको, दिस विल अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी हु विल फील डिस्करेज टू बोरो। डेफिनेटली ना यार, 15000 प्रॉफिट था, 5000 हो गया, तो बंदा क्यों बोरो करेगा, बोरो करना मतलब क्यों लोन लेगा, डिस्करेज द बोरोवर। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द क्रेडिट विल गो डाउन। तो कोई भी बंदा डिमांड मतलब लोन लेगा ही नहीं। डिक्रीज डिमांड फॉर क्रेडिट विल स्लो डाउन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी विच इन टर्न विल अफेक्ट द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। कंसिक्वेंटली इनकम इन जनरल विल फॉल, पीपल परचेसिंग पावर विल डिक्रीज। अंडरलाइन करो जो मैंने समझाया था, लोगों का परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। डिमांड क्या हो जाएगी, डेफिनेटली ना परचेसिंग पावर कम तो डिमांड कम, पीपल्स परचेसिंग पावर विल डिक्रीज, एग्रीगेट डिमांड विल फॉल एंड प्राइस फॉल डाउन। जो इन्फ्लेशन था वो प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये था बैंक रेट, इतना ईजी था, समझा आपको। अब वही है, और अगर बट ऑब्वियस दोस्तों कि अगर आपको लग रहा है कि डिफ्लेशन की तरफ जा रहा है, मतलब जैसे इन्फ्लेशन था तो मैंने इंटरेस्ट रेट बैंक रेट बढ़ाया, ठीक है, अब ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि बैंक रेट कितना है फिलहाल, ध्यान से लिख लो अपने नोटबुक में, या मैं बता रहा हूँ तो समझ लेना, कि या फिर ध्यान दो इस लेक्चर को, बैंक रेट कितना परसेंट है, 6.25%। ये अमेंडमेंट है आपका अगस्त 2017 में, मतलब आपको एग्जाम में अगर पूछा गया कि बैंक रेट क्या चल रहा है तो 6.25% लिखना है। ठीक है, समझा आपको, वेरी गुड। नाउ वैसे आगे का जो पैरा, नीचे का पैरा दिया है ना सेकंड, उसमें इतना ही था कि अगर डिफ्लेशन है तो क्या, अगर बहुत ही रिसेशन आ गया, फिर प्राइस बहुत ही कम हो गए तो क्या करेंगे, हमें मनी का सप्लाई करना है मार्केट में, तो बैंक रेट कम कर देंगे। इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट बढ़ा दिया, सिंपल लॉजिक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बैंक रेट बढ़ रहा है, डिफ्लेशन हो गया कम तो बैंक रेट को कम कर दिया। ठीक है ना, तो न्यूज़ पे अब आए तो आप इतने स्मार्ट हो गए यार, आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, देखो हम सीए कर रहे हैं, सीपीटी कर रहे हैं, हमको समझता है बैंक रेट आया, अरे बैंक रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन चल रहा है पापा, हाँ ना, अभी तो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या होगा, बैंक रेट बढ़ा है, तो देखो अभी ये क्यों कर रहे हैं, परचेसिंग पावर कम करने के लिए, इतना नॉलेज आ गया आपके पास। ठीक है ना, तो अभी आगे का पॉइंट एकदम फटाफट खत्म हो जाएगा, इसी कंसेप्ट को पकड़ के चलिए, आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्या क्वांटिटेटिव खत्म हो जाएगा, पहला क्या था बैंक रेट, दूसरा क्या है देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन,
ये बहुत से बच्चों को नहीं समझता, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही समझिए या फिर नोटबुक पे लिख लीजिए, आप सुन रहे हो तो बस शांति से सुन लीजिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि ओपन मार्केट, देखो बी वाला पॉइंट चल रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इंप्लाइड डेलिबरेट डायरेक्ट सेल्स एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटी एंड बिल्स इन द मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। खुद सेंट्रल बैंक बेचती है, मुझे बताओ अगर सेंट्रल बैंक बेचेगी तो खरीदेगा कौन? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओपन बैंक ऑपरेशन। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका ये पॉइंट बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, एग्जाम को सीधा दाओ यार बस हो जाएगा। और आपको पूछेगा कि बैंक, देखो ध्यान से ध्यान दो, ये मैं फास्ट नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि समझना कंसेप्चुअल पार्ट चल रहा है अभी। आरबीआई ओपन मार्केट में कुछ सिक्योरिटी डेलिबरेटली मतलब खुद होके बेचती है, क्यों? क्योंकि उन्हें क्या कंट्रोल करना होता है, तो क्रेडिट कंट्रोल करना होता है आरबीआई को, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, अपने कुछ सिक्योरिटी ओपन मार्केट में बेचती है। समझो 1 लाख करोड़ का सिक्योरिटी उसने बेचा, सर कौन खरीदेगा? अगर आरबीआई बेच रही है तो डेफिनेटली सर कॉमर्शियल बैंक खरीदेगी। तो मुझे बताओ दोस्तों, क्या इतना 1 लाख करोड़ आरबीआई ने क्या किया है, परचेस या सेल? सेल किया है। अगर आरबीआई सेल करेगी तो ये 1 लाख करोड़ कमर्शियल बैंक से कहां चले गए? आरबीआई के पास। तो क्या हुआ सर, क्या करना है? क्रेडिट कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन हो गया है तो परचेसिंग पावर कम करना है। मतलब क्या इकोनॉमी में पैसा कम भेजना है क्या? हाँ। तो मुझे बताओ कमर्शियल बैंक के पास सपोज 2 लाख करोड़ थे, और इन 2 लाख करोड़ में से अगर ये सिचुएशन होता ही नहीं ऊपर वाला, क्या कमर्शियल बैंक इतना पैसा मार्केट में बांट सकते थे? हाँ सर। लेकिन जब आरबीआई ने सेल किया ओपन मार्केट में 1 लाख करोड़, इसमें से माइनस कर दो 1 लाख, ये कहा किसके पास चले गए? आरबीआई के पास। तो कमर्शियल बैंक के पास कितना बचा अभी सर? 1 लाख करोड़। तो क्या दोस्तों 2 लाख से क्या कमर्शियल बैंक का पावर ही 1 लाख देना रह गया? तो मार्केट में सीधा कितना पैसा कम हो गया? 1 लाख। वही लॉजिक चलेगा जो मैंने बताया था, समझ गया है कंसेप्ट आपको? ठीक है, वापस एक बार पीछे करके सुन लेना, मैं वापस नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। रिवीजन लेक्चर चल रहा है, फास्ट फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इजी था। वैसे ही सर कमर आरबीआई कब वो सिक्योरिटी परचेस करेगी? अब परचेस कोई भी करता है तो कंसिडरेशन बदले में क्या देता है? पैसा देता है। तो आरबीआई अगर पहले, और अभी इस एग्जाम्पल में कि कमर्शियल बैंक के पास 1 लाख था और ये सारी चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी वो आरबीआई ने परचेस की, तो परचेस की तो क्या देगी? पैसा देगी। तो कमर्शियल बैंक को समझो 1 लाख रुपया आरबीआई ने दिया, और दिया तो कितना हो गया? 2 लाख रुपया। तो क्या मार्केट में पैसा बढ़ गया? और मार्केट में अगर पैसा बढ़ा इसका मतलब दोस्तों डिफ्लेशन चल रहा होगा। गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहती है कि पैसे का फ्लो बढ़े, लोगों का परचेसिंग पावर बढ़े, ताकि वो डिमांड कर सके, तो वापस जो सप्लाई यहाँ पे है वो सप्लाई उठ के ऊपर आए, ठीक है ना। मतलब लोगों का डिमांड, या फिर जो डिमांड यहाँ पे है वो डिमांड उठ के यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। डिमांड की बात चल रही है कि जो देखो ये जो परचेस कब करेगा ओपन मार्केट में, कि डिमांड बहुत ही नीचे चली गई, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा, तो पैसा देना है, पैसा देते गए, पैसा देते गए, पैसा देते गए, परचेसिंग पावर बढ़ते गया, परचेसिंग पावर बढ़ते गया, तो जो डिफ्लेशन हुआ था, प्राइस बहुत कम होगी तो प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से इतना सिंपल है, इस तरह से हमारा प्राइस कंट्रोल किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, कौन सा क्वालिटी है कि क्वांटिटेटिव है? क्वांटिटेटिव है, ठीक है। तीसरा वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट, अभी बहुत ही फास्ट ले लेता हूँ, बहुत ही सिंपल है कि इसमें वेरिएबल, तीसरा पॉइंट है वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसमें आता है CRR और होता है SLR। CRR का क्या? कैश रिजर्व रेशियो। SLR का क्या? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। सर CRR क्या चल रहा है? सबसे पहले तो ये लिख लो जो अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों। CRR कितना है? 4%। SLR कितना है? 20%। ये अमेंडमेंट वाला पार्ट है, ये कम हो गया, तो अगर MCQ में आया तो ये वाले रेट अभी लिखने हैं, ठीक है। यस सर नो, समझा गया? यस सर, ठीक है। तो 4% सर CRR क्या है? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है इसमें। भाई तेरे को अगर पहला कंसेप्ट समझा उसी पे चलना है, तेरे को सब समझ गया अभी, सिर्फ लिंक लगाना है। CRR का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक SBI अपना कुछ पार्ट कंपलसरी किसके पास रखेगा? RBI के पास। मतलब अगर इसके पास 100 रुपये है तो वो इसमें से 20%, मतलब 4%, मतलब 4 रुपया कहाँ पे रखेगी? ठीक है, 4 रुपया, 4% का है ना CRR, तो 100 में से 4 रुपया कहाँ रखेगी? RBI के पास। इसका मतलब कितना पैसा वो बांट सकती है मार्केट में? 96 रुपया सर। समझो इन्फ्लेशन बढ़ गया, RBI को मार्केट में से पैसा कम करवाना है, तो CRR बढ़ाएगी या कम करेगी? सर पैसा कम करना है ना, तो CRR बढ़ाना पड़ेगा, ताकि फिर अगर ये 4 से, फॉर एग्जाम्पल, 4 से अगर हो जाता है 10, तो 100 में से कितना रुपया रखना पड़ेगा RBI के पास? 10 रुपया। तो मार्केट में कितना जाएगा? 90। पैसा कम गया, परचेसिंग पावर कम हुई, वही लॉजिक चल रहा है। समझा आपको अभी?
ठीक है, तो सीआरआर अगर कल न्यूज आई सीआरआर बढ़ा तो क्या कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। और आपको ऐसे कहा गया कि सीआरआर कम हो गया, इसका मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मार्केट में डिमांड कम है, भाई पैसा भेजो, परचेसिंग पावर बढ़ाओ तो डिमांड ऊपर आए, ताकि जो डिफ्लेशन हो गया है वो एक लेवल पे आ जाए। समझ रहा है? थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया सीआरआर, समझ गया आपको कि कमर्शियल बैंक कुछ पार्ट पैसों का किसका रखती है, आरबीआई के पास। व्हाट इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब कि ये पैसा कमर्शियल बैंक लैंडिंग, मतलब जो लोगों को दे रही है ना, मतलब यहाँ पे ध्यान देना कि सर 100 रुपया था, 4% मतलब ये 4% मैंने कहाँ रखा, आरबीआई के पास। सर इसे कैसे कर रहे हो यार, कमर्शियल बैंक दो थोड़ी ना है भाई, एक ही कमर्शियल बैंक है एसबीआई, उसको सीआरआर भी का रिक्वायरमेंट भी पूरा करना होगा, एसएलआर का रिक्वायरमेंट भी पूरा करना होगा, यस और नो? तो ये 4 माइनस कर दिए सीआरआर वाले, अब बचते कितने हैं 96, और मैं अप्रोक्सीमेट एग्जांपल लूँ, चलो इसमें से भी 20 माइनस कर दिया, अगर मैंने टोटल 100 कोई 20% लिया तो अब बचेगा कितना, बचेगा कितना सर 76, तो अब 76 रुपये ही मार्केट में जाएगा। तो एसएलआर सर ये क्या आरबीआई के पास रखना पड़ता है? नहीं, ये बैंक खुद के पास साइड में रिजर्व करके रखती है, यही फर्क है सीआरआर और एसएलआर में, कि सीआरआर मतलब बैंक आरबीआई के पास रखती है, एसएलआर मतलब बैंक खुद के पास रखती है, उसमें से वो किसी को भी लैंडिंग मतलब पैसा लोन पे नहीं दे सकती, तो उतना पैसा मार्केट में नहीं जाएगा। सेम लॉजिक, कब बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम करना होगा, तो कब सीएसएलआर कम हो जाएगा, जब मार्केट में पैसा भेजना होगा। तो समझा? तो ये वाला तीसरा पॉइंट आपका खत्म हो गया, कुछ डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, नाउ सर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है, मतलब आपका चैप्टर खत्म ही हो रहा है, कुछ बचता ही नहीं, ये लास्ट पॉइंट चल रहा है आपका, इसके बाद आपका चैप्टर ओवर। तो प्लीज पेशेंस रखिए, इतना देर से आपने अच्छे से सुना है, आपको समझाए, कॉन्सेंट्रेशन बना के रखो। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। पहले तो जो अमेंडेड, जो अमेंडमेंट हुआ है, क्या फिलहाल रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट है वो देख लो। रेपो रेट है 6% और रिवर्स रेपो रेट है 5.75%। सर इसमें भी वही कंसेप्ट यूज करना है जो आपने अभी तक समझा है? यस, सेम है यार, सेम। ठीक है ना, रेपो रेट और क्या, रिवर्स रेपो रेट। तो क्या होता है सर, यहाँ पे देखना कि सर ये रेपो रेट ना आज तक दिमाग में नहीं गया क्या है भाई, सब दिमाग जाता है, सब आसान होता है अगर हम समझे तो। ठीक है, अच्छी तरह से समझा तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। रेपो रेट क्या होता है, देखो एक कोई भी कमर्शियल बैंक, और हम एग्जाम्पल में एसबीआई को ही ले रहे हैं, कोई भी कमर्शियल बैंक जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है, और मैंने कहा था कि आरबीआई का फंक्शन आपको याद आ रहा है कि बैंकर्स बैंक, जब कमर्शियल बैंक को पैसा लेगा तो किसके पास जाएगी, यस आरबीआई के पास सर। तो इनको पैसा लग रहा था 1 लाख करोड़ रुपया, तो ये कहां पे जाएगा, आरबीआई, जो हमारा कौन सा बैंक है, अपेक्स बैंक, बैंकर्स बैंक, तो ये चला गया आरबीआई के पास। अब जब ध्यान से एसबीआई मतलब कोई भी, सर हमें दिखाओ ना, तो आप पेज नंबर 407 पे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट सेकंड लाइन को अंडरलाइन करना। रेपो रेट इज द रेट एट विच अवर बैंक, अवर बैंक मतलब कौन सा भाई, हमारे कमर्शियल बैंक, बोरो रुपीस फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई से इन्होंने बोरो किया, आरबीआई क्या दे रही है, ले रही है, आरबीआई पैसा दे रही है, कौन बोरो कर रहा है, एसबीआई, लेंडर कर रहा है आरबीआई। तो जो रेट आरबीआई चार्ज करती है ना दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट। मतलब जो भी कमर्शियल बैंक लोन लेगी वो रेपो रेट होगा, मतलब जो आरबीआई चार्ज करेगी, और वो कितना परसेंट है, 6%। और उल्टा कंडीशन सिचुएशन जो शायद बहुत कम होता होगा, कि आरबीआई जब एसबीआई से पैसे लेगी, या फिर जो पैसे रखने को कहेगी आरबीआई के पास, कि भाई चलो तुम्हारा पैसा ना क्या है, लोगों को लोन दे रहे हो, उसमें से तो आप पैसा कमा ही रहे हो, तो ठीक है, लोगों को लोन देने से बेटर हो सकता है एनपीएस होते हैं, बहुत सारे लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, और हमको तो पता है इंडिया में ऐसा कि किस कैसे बहुत सारे किस्से हो रहे हैं कि कितने लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, यस और नो? तो आप एक काम करो, आपका पैसा बोरो नहीं करेंगे, आपका पैसा हमारे पास रखो, हम आपको कुछ उस पे इंटरेस्ट दे ही देंगे। तो जब कमर्शियल बैंक पैसा रखती है हाँ, ले नहीं रही है, रेपो रेट में वो पैसा ले रही थी, उस पे कौन चार्ज कर रहा था, आरबीआई चार्ज कर रहा है। और जब कमर्शियल बैंक पैसा रखेगी आरबीआई के पास, उस पे जो कमर्शियल बैंक चार्ज करेगी उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। सिंपल फंडा है, समझ रहा है आपको, यस। तो सर मुझे बताओ कि ये अब इन्फ्लेशन
का लॉजिक समझा दो इसमें कि आप लगा लोगे। ठीक है समझा ही देता हूँ। चलो ये 6% था, सपोज ये 10% अगर मैंने कर दिया तो कमर्शियल बैंक को नहीं परवड़ेगा पैसा आरबीआई से लेना, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेगी नहीं। आरबीआई से अगर कमर्शियल बैंक ने पैसा लिया नहीं तो कमर्शियल बैंक के पास उतना पैसा नहीं आएगा, मार्केट में उतना पैसा नहीं जाएगा, उतना बोरोइंग पावर परचेसिंग पावर कम हो जाएगा। समझ रहा है सिचुएशन? तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझा? तो 6% है, कल जाके अगर आपको कोई न्यूज आ गया कि भाई बैंक रेट बढ़ा, तो क्या चाहता है गवर्नमेंट कि मार्केट में पैसा ना जाए, और सॉरी रेपो रेट बढ़ा तो गवर्नमेंट क्या चाहता है कि मार्केट में पैसा ना जाए, और रेपो रेट कम हुआ इसका मतलब गवर्नमेंट को मार्केट में पैसा भिजवाना है। आया ध्यान में? तो रेपो रेट का अगर कोई क्वेश्चन या फिर न्यूज आती है तो आप दिमाग लगा सकते हो। और देखो सब लॉजिक सेम ही चल रहा है, बढ़ रहा है मतलब क्या, इन्फ्लेशन को कम करना होगा, परचेसिंग पावर को कम करना होगा। आया ध्यान से दोस्तों? तो इतना याद रखो, रेपो रेट 6% है, रिवर्स रेपो रेट 5.75% है। तो अब मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं और इस पे क्वेश्चन आता है तो प्लीज सुनिए, ध्यान से सुनिए कि आपको क्वांटिटेटिव और जनरल, ठीक है टी, क्वांटिटेटिव और जनरल फंक्शन अगर पूछे तो चार ही है, ए बी सी डी। ए में क्या था? बैंक रेट सर। अच्छा बैंक रेट कितना परसेंट है दोस्तों, याद आ रहा है कितना सर? 6.25%। दूसरा क्या था? यस कम ऑन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ गया आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसमें दो ही एंगल रखना, एक सेल का और एक परचेस का। परचेस कब करेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन में? अगर परचेस कर रही है आरबीआई तो क्या देगी? पैसा देगी, तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, और सेल कर रही है तो कौन पैसा देगा? अगर आरबीआई सेल कर रही है मतलब परचेस कौन करेगा? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक को पैसा देना पड़ेगा, कमर्शियल के पैसा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम, मार्केट में पैसा कम जाएगा, तो परचेसिंग पावर कम डेफिनेटली। तो इन्फ्लेशन अगर कम करना होगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल किया जाएगा। ठीक है वेरी गुड। सी क्या था? वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ठीक है ना, क्या? वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट, सी आर आर था और एस एल आर था। ठीक है ना, सी आर आर था और एस एल आर था। सी आर आर कितना परसेंट है? 4%। एस एल आर कितना परसेंट है? 20%। और डी, डी क्या था बच्चों? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट कितना है अपना? कितना है? 6%। और रिवर्स रेपो रेट कितना है सर? 5.75%। खत्म। इसमें एक क्वेश्चन आया, गारंटी है कि आपका जाएगा नहीं अभी मार्क्स। ठीक है, नाउ वेरी गुड। अब लास्ट पार्ट, क्वालिटेटिव या फिर उसे कहते हैं सिलेक्टिव मेजर्स। ये तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा 5 मिनट में। क्वालिटेटिव में क्या होता है देखो, सिक्योरिंग लोन रेगुलेशन बाय फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट अब कौन सा कर रहे हैं हम? क्वालिटी मतलब क्वालिटेटिव, ठीक है, उसे कहे गए सिलेक्टिव। ठीक है, तो अब मार्जिन रिक्वायरमेंट ऐसे लग रहा है मुझे, यहाँ पे एक वो मे बी जनरली मतलब आप सेकेंड लाइन में द सेंट्रल बैंक है ना, पेज नंबर 407 ही चल रहा है बच्चों। ठीक है, क्वालिटेटिव सिलेक्टिव मेजर जो जनरली यूज है वो कट करके मे यूज द फॉलोइंग ऐसे दिया गया है। तो उसमें एक पहला ही है मार्जिन, और अगर आपने एक पेरेंट्स ने अगर लोन लिया होगा तो वो भी आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि बैंक, अगर आपको समझो एक टू व्हीलर खरीदनी है 1 लाख रुपए की, तो बैंक क्या आपको पूरा 1 लाख रुपए का लोन दे देगा क्या? नहीं दोस्तों, बैंक आपने सुना होगा कि आपको कुछ पैसा, फॉर एग्जाम्पल 15% अगर मार्जिन मनी है, फॉर एग्जाम्पल 15% अगर मार्जिन मनी है, तो आपको 15,000 रुपया आपकी जेब से भरना पड़ेगा और बाकी का 85,000 आपको बैंक देगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं मार्जिन मनी। ठीक है, तो मार्जिन मनी, मुझे बताओ कि सर इसका भी वही लॉजिक चलेगा जो आपने पीछे समझा? यस डेफिनेटली दोस्तों। मुझे बताओ, परचेसिंग पावर कम करना होगा, बैंक ने मार्जिन मनी 50% कर दिया, कितने लोग लोन लेंगे? सर मुझे 5 लाख की कार खरीदनी थी, और गवर्नमेंट अगर मतलब बैंक अगर मुझे पूरे 5 लाख का लोन देता तो पूरी दुनिया कार खरीदती, लेकिन वो मार्जिन मनी, ये जो मार्जिन का कंसेप्ट आया उसमें क्या कहा? 50% भरिए। तो 2.5 लाख जिसके पास अभी हार्ड कैश है वही तो जाके खरीदेगा, या फिर जिसके पास कैश है वही तो बाकी 2.5 लाख का लोन लेगा, 2.5 लाख कैश देगा। तो मार्जिन मनी जितना बढ़ेगा, समझ लेना क्या आप बोरिंग पावर कम करना है। आप बहुत एक्सपर्ट हो गए, आपको फटाफट समझ रहा है। यस सर नो? यस ना, बहुत होशियार हो आप लोग ना। अब देखते हैं, तो मार्जिन वाला कंसेप्ट समझ गया ना, वापस एक बार अगर नहीं समझा तो रिवर्स पीछे जाइए, ऐसे 2 बार क्लिक कीजिए, 10-20 सेकंड वीडियो टू पे वीडियो पीछे जाता है, पता ही होगा है ना। ठीक है ना, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, वही कि रेगुलेशन मतलब क्या कि वो कंट्रोल करेगा, तो एक फंक्शन क्वालिटेटिव फंक्शन में। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? इश्यू ऑफ डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स मतलब क्या कि देखो पढ़ लेता हूं, सेंट्रल बैंक यहाँ पे एक अमेंडमेंट मतलब क्या भाई, मैं सिर्फ ऐड किया हुआ है वहाँ पे। ठीक है ना, मतलब क्या बात कर रहा हूँ मैं, देखो सेंट्रल बैंक में मतलब ये वाली बात भाई, देख लो ये मैंने अमेंडमेंट किया था, ऐसे यहाँ पे जो दिया है कितना दिख रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं
may use directive to various commercial bank, और this directive are usually कट कर दो, उसे कट कर दिया गया है. This directive are usually उतने लाइन को this directive usually कट कर दो उसे in the form in the मतलब का क्या आएगा in the form of oral or written set statement appeal or warning particularly to curb individual credit structure and to restrain the aggregate volume of loans. तो directive मतलब क्या, कुछ तो instruction भेजेगी, ठीक है ना, कुछ तो ऐसे directives भेजेंगे, इस तरह उसका word में ही मतलब है, तो इतना important है नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ लेना. तो directives अगर आया तो qualitative होगा या quantitative होगा, qualitative होगा. repo rate quantitative. अच्छा मुझे बता ना SLR qualitative quantitative quantitative, bank rate quantitative. अच्छा directives qualitative, very good. now rationing of credit, सिंपल पॉइंट है. मॉरल सीजन, ये मुझे समझाना पड़ेगा आपको, वो ऊपर का पॉइंट पढ़ लोगे इजी है. मॉरल सीजन मतलब क्या, मॉरल सीजन इंप्लाइज क्या था देखो पढ़िए तो, पर्सुएशन एंड रिक्वेस्ट मेड बाय द सेंट्रल बैंक, मेड बाय द सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक टू कोऑपरेट विद द जनरल मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द फॉर्मर, या फिर जितना फॉर्म किया है मॉनेटरी पॉलिसी उसके साथ आप कोऑपरेट कीजिए. पूछ लेंगे आपको एमसीक्यूज में कि मॉरल सीजन का मतलब क्या, कि ये जो आरबीआई, देखो रिक्वेस्ट मेड बाय हुम, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, रिक्वेस्ट मेड बाय हुम, सेंट्रल बैंक, क्या कि आप लोग कोऑपरेट कीजिए जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज है जो इश्यू किए, जो डायरेक्शन है उसके साथ आप कोऑपरेट कीजिए. और दोस्तों आप पेज नंबर 404 पे हो, पॉइंट नंबर ई पे, उसमें जो फुल स्टॉप के बाद जितना भी पॉइंट है फॉर्मर के बाद वो सारा कट करना है, जिन्होंने किया होगा वेल एंड गुड, बाकी तो वो अमेंडमेंट था. नाउ डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन मतलब क्या, पॉइंट नंबर ए बजा दो. मतलब कोई भी बैंक आपको मिसकंडक्ट करते हुए पकड़े गए उनका लाइसेंस छीन लो, स्ट्रिक्ट एक्शन, फाइन लो, पेनल्टी लगाओ, तो ये सब कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट एक्शन में, ठीक है. नाउ पेज नंबर 408 पे आप देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आपका चैप्टर मनी एंड बैंक 4 से 6 मार्क्स आपकी जेब में, मैंने 100% दिया है दोस्तों. होप्स तो आपको बहुत हेल्प हुई होगी इस सेशन की, ठीक है ना. तो जो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मेरा एक ही मोटिव है कि एक भी बच्चे को फ़ायदा हुआ तो मेरा ये लेक्चर्स डालने का मोटिव सफल हो जाएगा आपको. और मुझे चाहता हूँ कि अभी भी 300 350 या फिर 500 600 800 लोग ये वीडियो देख रहे हैं पूरे इंडिया में, मतलब जो भी आपको लगता है जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है, तो ऐसे नहीं कि जस्ट अवेयरनेस नहीं है उसको हेल्प ना हो पाए. तो अगर आपको लगता है बेनिफिट हो तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो, ठीक है. फ़ायदा तो बच्चों का ही होने वाला है, और मैं इसी यही मोटिव के साथ मैंने सेशन स्टार्ट किए हैं. आपका बेनिफिट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर आपको लगता है तो आप ये वीडियो आपके फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है ना. अगर इसका भला हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमको ये चीज़ें करने में, ठीक है. तो आपका सपोर्ट चाहिए इन चीज़ों में, कि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेरा नहीं बच्चों का, ठीक है. तो आप इनिशिएटिव लीजिए, अगर किसी का फ़ायदा होगा भगवान हमारी मदद करे, गॉड ग्रेस, ठीक है ना. और CPT CA में लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें. तो अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट में भी शेयर करते हो तो कोई दिक्कत है नहीं, मेरा वीडियो मतलब मैं एज अ फैमिली ट्रीट कर रहा हूँ आपको, तो आपका पूरा राइट है इन वीडियोज़ पे, जिसे चाहो यूज़ करो, जिसे शेयर करना है कीजिए बिंदास, ठीक है. नाउ आपको सेंट्रल बैंक समझ गया सबको, ठीक है. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ध्यान से करना, रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है. और पढ़ाई करो, यस बहुत ही कम पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, दिल से पूछो, हाँ ना, बहुत कम दिन बाकी है दोस्तों, ये 15 दिन 20 दिन वापस नहीं आएंगे, और अभी ही होगा जो होगा वो, आप कर सकते हो. सारे नेगेटिव थॉट्स को साइड में निकालिए, जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेट कर पाओगे, जितना ज़्यादा आप, और सोचिए मत ये बाकी है वो बाकी है, सोचने से पढ़ाई नहीं होने वाली, करोगे तो वो पढ़ाई कम होगी. आप प्लान बनाते हो, कल वापस हो दूसरा प्लान बनाते हो, परसों वापस हो तीसरा प्लान बनाते हो, ठीक है. तो जब तक ये सेशन आएंगे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको बाकी के सब्जेक्ट को भी कंट्रोल में रखना है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, अभी ही करना है. अभी जो करोगे वो दिल से करो, आप में पूरा कैपेसिटी है. 10th 12th भाई वो वहाँ पे हम फेल होने का नहीं सोच रहे थे, यहाँ पे क्यों सोचे, एक एग्ज़ाम ही तो है, कंसेप्ट समझा तो पास आप डेफिनेटली हो सकते हो. अपने एफर्ट्स लीजिए, आप बहुत टैलेंटेड हो, खुद पे भरोसा रखो. दुनिया क्या आप आज तक आपको कहती थी, इस पे कोई ध्यान मत दीजिए, आप खुद पे भरोसा रखिए, आप डेफिनेटली कर सकते हो, और हाँ आप करोगे, ठीक है. थैंक यू सो मच, आप जितना शेयर कर सकते हो कीजिए, लोगों की हेल्प होगी, ठीक है. बाकी क्या, अभी हमारा 8वां चैप्टर खत्म हो गया. ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, पढ़िए, पढ़ना है, ठीक है. यस, ऑल द बेस्ट.